छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया है। इस दौरान गांव गांव और शहर शहर पर केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम किया गया। इनसे लाभ लेने वाले हितग्राहियों से संवाद करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई है और इसके अंतर्गत आज जिले के में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड वितरण के अलावा रसोई गैस कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। शिविर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत हितग्राही का नवीन पंजीयन किया गया। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का पंजीयन किया गया है। केसीसी ऋण स्वीकृति करने के लिए किसानों का आवेदन लिया गया है। इस दौरान मेरी कहानी मेरी जुबानी के अंतर्गत हितग्राहियों ने विभिन्न योजनाओं से उन्हें लाभ मिलने के संबंध में जानकारियां दी हैं। दायित्व तो बनता है कि लोगों के पास जो शासन की जो सुविधा है वो उनको मिले। जैसा कि अभी उज्ज्वला गैस योजना वो गांव-गांव में शिविर लगा करके तत्काल उनको प्रदान किया जा रहा है। इसी प्रकार से हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा जिनको जिस महिला को जन्म शिशु के अंतर्गत 5,000 6,000 एक बच्चे के पीछे 5,000 दूसरे बच्चे आने के बाद 6,000 उनको प्रोत्साहित राशि दी जाती है, वो भी उनको यहाँ मंच में खड़े करा करके वो जानकारी लेते हैं और विभिन्न स्टॉल के माध्यम से लोगों को जानकारी मिले, ऐसी व्यवस्था भी सरकार की जो आप शिविरों में जितने भीड़ देख रहे हैं ये प्रमाण है कि हमारा जो अटल हमारे संकल्प विकसित भारत यात्रा जो चल रहा है गांव गांव में वो सफलता की एकदम अग्रसर सोपान को छू रहा है। त्वरित यहाँ पर डॉक्टरों के द्वारा आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है तत्काल वहीं पर, और जिन जिन समस्याओं से अलग अलग स्टॉल लगे हैं, जिन जिन समस्याओं से किसान चाहे मजदूर वर्ग हो जिनको जिनको जो लाभ मिलना चाहिए उन सारे लोगों को तत्काल यहाँ पर राहत शिविर के माध्यम से उनके समस्याओं का निदान हो रहा है।